हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देख सकते हो आज मेरी फ्रेंड आई जोया। ज्यादा जोया को तो सब ये जिदान किसी को पता ही नहीं। फोड़ी आई थी ना। तो जोहान को जलन हो रही, जिदान से बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत जल रहे हैं ये ढांचा। तो यहाँ जोहान की फिंगर की बात चल रही है। अल्लाह जोही बताओ, जोहान बताओ, फिंगर बताओ। नहीं नहीं खींचना नहीं, पापा रोही का पापा। जिदान सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो पापा। जिदान उंगली खींच रहे। सही में लेकिन निकाल दो, मैं तो मस्ती नहीं करूँ, निकाल दो। इसमें हड्डी रहती ना, जॉइंट में तो सही रहता। सही बोले, कभी खींच दिया किसी ने तो इसकी फिंगर निकालने को बोल रहे हैं मेरे जोही की। बहुत मस्ती फोरे वो, बहुत शांत, कोई शांत नहीं है वो। नर्स है इसकी, हड्डी नहीं है ना। वही ना, अगर इसे हड्डी रहती ना शायद किसके, कौन से हीरो की है? ऋतिक रोशन का अंगूठा है। तो उसको चल रहा है ये ऐसा लगता है, देखो ना दोनों हाथ में ऐसे उसके लटक रहे हैं। टन 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 टन। मम्मा ये क्या है, आपको ये क्या है? कोई भी हाथ लगाता ना, हाथ भी नहीं लगाने देता, गुदगुदी होती है उसको। देखो नाखून देखे, एहसास होता है। हाँ देखो ना, नेल्स कट करती है ना तो खींचेगा। देखिए वो उंगली कोई खेलता है ना तो खींच लेगा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दुख रहा है आपको? आपको दुख रहा है? मैं तो फ्रेम के बाहर निकला। आपको दुख रहा है? दुख रहा नहीं, दुखता है ना। अरे मशाना है वो, क्या कोई चीज में अटक गया ना इसको। यहाँ पे लुकमान है, तेल लगा देते ना तो डाग नहीं आता था इसको। इसको ये लगा नहीं था, फोड़ी आई थी। फोड़ी आई इसको? हाँ फोड़ी आई थी, वो चली गई और फिर उसका दाग रह गया। अजीब सी फोड़ी आई थी, नजर की फोड़ी दिख रही थी, वो जा ही नहीं रही। क्या ऐसा ही है दुबला पतला? तुम्हारे पे गया इसके लिए छोटा सा म्यूजिक। तुम्हारी बेटी देखो ना, उसकी हाइट देखो माशाल्लाह। हाँ उसकी हाइट बहुत अच्छी, वो पैदा भी हुई थी ना तो अच्छी खासी लंबी थी। ये मटला ही पैदा हुआ। क्या कर रहे हैं नादिया? दबा के लगा ये। अरे तू इसको चम्मच से निकाल। विदान तेरे से उठते उठते टूट गया। जो हाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बैटर रेडी हो गया है और ये है मैदा। हाँ और ये कर ब्रेड, ये बटर और ब्रेड को मिक्स किए। ये है दूध और यहाँ बन रहा है शरबत, क्योंकि मुहर्रम में शरबत नहीं बना पाए थे क्योंकि हमारे घर में इंतकाल हो गया था। तो आज उनका दसवां है इसलिए हम लोग शरबत और बाहर से खाना वगैरह किए हैं। अभी आगे और भी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज ये बादाम और पिस्ता हम लोग डाल रहे हैं। कितना काम करती हूँ देखो यहाँ पे, इतने काम करवाती फिर वीडियो उतारती है। ये मिक्सर ने वाट लगा दिया थोड़ी ही देर में। तो ये ड्राई फ्रूट हो गया है, छोटा दिख रहा है अभी, इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। कैसा बना शरबत पी के बता, कैसा बना, कैसा बना बताओ। गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी शरबत कैसा बना पी के। इससे पहले मैंने पी चुकी हूँ, बहुत टेस्टी शरबत बनाई है। कल इनको बता देना क्या। तो यहाँ भी कटलेट और बन रहा है। ये कटलेट की रेसिपी के लिए ना नूरी किचन के ब्लॉग पे जा सकते हो आप लोग। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये है बटर। जिदान कोई भी बच्चे लोग को खेलने नहीं दे रहा, देखो सबको मार। मतलब वो खेल ही रहा है लेकिन इन लोग को मारना लग रहा है। तो गाइज यहाँ जैद भाई ने ना अनाबिया का हेयर स्टाइल किया है, यहाँ जिदान फुल मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ सारे कटलेट के बॉल पूरा रेडी नूरी किचन ने किया है और ये सालन बाहर से मंगाए हम लोगों ने मतलब। और यहाँ कटलेट फ्राई हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, गरम गरम तेल में डाल रहे हैं। और ये एक तरफ सैलेड निकाल रहे हैं हम लोग फटफट, मतलब हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मेहमान आके बैठे हुए थे तो हम लोग फटफट रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे फ्राई हो गया है, देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से ये फ्राई हुआ है, कोई भी इसके अंदर ऑयल नहीं था, देख सकते हो।
गाइस अभी इतना बाकी है और फ्राई करने का, और ये है नान और ये रहे पाव। जिसको पाव खाना है वो पाव खाएगी, जिसको नान खाना है वो नान खाएंगे, और जिसको मार खाना है वो यहाँ पे मार खाएगी। तो गाइस थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी। तारीफ हो गई, शुक्रिया। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कस्टर्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पे कस्टर्ड भी बनाए थे। बहुत फास्ट फास्ट हम लोग ने काम किया यहाँ पे सारी चीज़ सर्व करने। तो गाइस आज है ना मेरे हस्बैंड के सगे मामू, उनका आज 10वां था, तो उनके मतलब 10वें में सब मेहमान को बुलाए हैं। माशाल्लाह से कुरान खानी वगैरह हो गई है, बस खाना वगैरह खिलाना था उनके नाम से, और ये सब इतना सब बनाए, मकसद यही था कि आज 10वां है। माशाल्लाह से मामू को पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिली और बहुत सारे कुरान शरीफ वगैरह बख्शाए भी हैं। और मतलब ये फैमिली है जो है ना, मामू मतलब ऐसे थे कि हर कोई भी मतलब किसी को कुछ भी काम होता है ऐसा कुछ भी ऐसा रहता ना, तो उनसे आके डिस्कस करते, अपनी हर बात शेयर करते थे। समझ लो महफिल की जान होती है ना, मतलब वो थे मामू। तो गाइज उनके मतलब जाने के बाद अभी ऐसा लोगों को ऐसा लग रहा है यार वो मेन थे, और जितने भी यहाँ मेहमान आए सब उनको जानते बहुत अच्छे से थे, और बहुत अच्छे से हमारे घर में जब भी फंक्शन होता था वो शेर व शायर वगैरह गज़ल वगैरह भी पढ़ा करते थे। तो गाइज बस उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनके बच्चों को सब्र आ जाए, उनके घर वालों को उनकी फैमिली को अच्छे से सब्र आ जाए, हर बच्चों के सर पे माँ बाप का साया रहे, हर माँ बाप को बीमारी से निजात मिले, और अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। माँ बाप का साया ऐसा है कि सर से कभी किसी के नहीं उठना चाहिए। मेरी जो सासू मामा है उनका भी जब इंतकाल हुआ था तो मेरे दिल में सबसे ज़्यादा दहशत इसी चीज़ की थी कि बच्चों का क्या होगा, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ फील कर सकती हूँ कि बच्चों को माँ मतलब चाहिए ही। अल्लाह पाक मेरे भी माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे आँखों के सामने ही होना चाहिए, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती किसी चीज़ का। तो बस अल्लाह सलामत रखे सबके माँ बाप को, और गाइस दुआ में याद रखना। मेरी वीडियो यहीं तक की थी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जो अभी खाने की जिस तरह से मैंने अभी कटलेट वगैरह, और वो नूरी किचन में आपको मिल जाएगी, नूरी किचन का चैनल है, उस पर बहुत सारे मतलब रेसिपी वगैरह है खाने की, आप जाके देख सकते हो। तो गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।